तो भाई साहब, मैंने व्हाट इफ देख लिया है और सीज़न काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं था जैसे सस्ते नशे फूंक के ये सीज़न देखा गया हो। डीसी वालों, ये देखो कि अगर तुम लोग राइटर्स को अपने को अच्छा पैसा नहीं दोगे तो राइटिंग आपको ऐसे ही मिलेगी। लोगों को ज़रा भी नहीं पड़ी। इस सीज़न की फर्स्ट 5 एपिसोड्स तो हद से ज़्यादा बोरिंग और बकवास थी। 6 एपिसोड जिसमें कहूरी आती है, वो वाली एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके बाद 2 एपिसोड आई, वो भी बस ठीक ठाक थी। इनमें हैला वाली एपिसोड भी काफ़ी अच्छी थी। वो स्टोरी लोगों को देखने में इंटरेस्टेड भी थी और लोगों को मज़ा भी आया होगा वो देख के। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो सीज़न आके व्हाट इफ चला भी गया और उसके थर्ड सीज़न की भी अनाउंसमेंट कर दी गई, जिसका ट्रेलर भी ड्रॉप हो गया है। तो अगर ये वही राइटर्स हैं जिन्होंने सीज़न 2 लिखा है तो मेरी कुछ इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। आ गया तो देख लेंगे, अदरवाइज मुझे कोई ख़ास इसकी पड़ी नहीं है। लास्ट एपिसोड इसकी जो थी उसमें, इसमें अगर मैं छोटा सा स्पॉइलर दूं तो विलन सेम ही है लास्ट सीज़न वाला ही। और लास्ट एपिसोड इस सीज़न की काफ़ी अच्छी लगी मुझे और देखने में मज़ा आया। अदरवाइज़ ये वर्थ वॉच नहीं है, बिल्कुल भी सीरीज़ वर्थ वॉच नहीं थी मेरे लिए। अगर शायद मैं ये ना भी देखता तो मुझे ना शायद इतना अच्छा लगता। मुझे सीज़न 1 अच्छा लगा था और क्योंकि एंड गेम की हाइप की वजह से लोगों ने उस पर ध्यान भी दिया था, लेकिन ये सीज़न बिल्कुल ही डेड गया है। अगर आप लोगों को ये सीज़न देखना है तो देखें, अदरवाइज़ डेडपूल 3 का वेट करें, क्योंकि 2024 में MCU की सिर्फ एक ही मूवी आ रही है, वो है डेडपूल 3, और मेरा ख्याल है यही इस साल की बेस्ट मूवी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।